नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी के लगभग 17 प्रखंडों में सीओ सीआई और संबंधित कर्मचारी जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनकी हालत बद से बदतर हैं। जो लोग हैं जिनको रसीद कटाना है, जिनको दाखिल खारिज कराना है, जमीन संबंधित तमाम मामलों को लेकर लोग प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय और डीएम के जनता दरबार तक लगातार दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रखंडों में और पंचायतों के जो कर्मचारी हैं, जो हल्का कर्मचारी हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा था। इन तमाम चीजों को देखते हुए सीतामढ़ी डीएम ने गंभीर एक्शन लिया और आज सीतामढ़ी के 17 प्रखंडों के सभी सीओ, सर्किल ऑफिसर और तमाम कर्मचारियों को बुलाकर जबरदस्त फटकार लगाई, क्लास लगाई और उन्हें ये आदेश दिया गया है कि इस महीने के आखिरी तारीख तक तमाम दाखिल खारिजों का निष्पादन किया जाए, वरना सीधे डायरेक्ट निलंबन की कार्रवाई होगी। मैं आपको बताऊं कि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जमीन के माध्यम से जिला को आता है, जिला को प्राप्त होता है और ऐसे में सीओ द्वारा या फिर सीआई द्वारा या फिर हल्का कर्मचारियों द्वारा इस तरह की उदासीनता से कितना फर्क पड़ सकता है राजस्व पर, इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ सीतामढ़ी जिला के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी हैं परिमल जी। हम चलते हैं और हम इनसे जानते हैं कि किस तरह के आदेश डीएम साहब ने पारित किए हैं और क्या क्या होना है। सर लंबित दाखिल खारिज को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी गंभीर है और इसी को लेकर आज जिला पदाधिकारी महोदय ने स्वर्णालय सभा कक्ष में सभी सीओ, सभी राजस्व कर्मचारी, सभी ऑपरेटर के साथ एक मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दिया है कि इस माह के अंत तक हर हाल में सभी लंबी दाखिल खारिज के मामले का निष्पादन हो जाना चाहिए, अन्यथा जवाबदेही तय कर सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन की बात आ रही है कि 3 दिन सीईओ को ऑर्डर दिया गया है। पहले ही से ऑर्डर है, उसको लागू करना है और उसको लेकर जिला पदाधिकारी काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 3 दिन सभी जो राजस्व कर्मचारी हैं प्रखंड मुख्यालय में सीओ के कार्यालय में बैठेंगे और दाखिल खारिज मामले का निष्पादन करेंगे और किस दिन किस राजस्व कर्मचारी बैठेंगे उसका भी आम जनता तक, उसकी तिथि की भी सूचना आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। प्रचार प्रसार सीओ द्वारा किया जाएगा। तो आप देख रहे थे अभी डीपीआरओ ने कहा कि डीएम साहब की तरफ से जबरदस्त चेतावनी दी गई है और मैं बताऊं आपको कि जिला में 273 पंचायत, तमाम पंचायत के लोग परेशान हैं अपने अपने दाखिल खारिज को लेकर के, जमीनों की रसीद कटाने के लिए और भी तमाम इस तरह के जो काम है जो जमीन विवाद संबंधित मामलों को खत्म कर सकता है। लेकिन सीओ साहब के काम पे जू नहीं रेंगता, सीआई साहब बिल्कुल मस्त सोए हुए हैं और हल्का कर्मचारी तो उन्हें जब तक के मिलता माल नहीं मिलता तब तक के वो कमाल नहीं दिखाते। मैं आपको बताऊं कि उदाहरण के लिए मेहसौल के जो हल्का कर्मचारी हैं वो बाईपास रोड होते हुए बासुसी सिनेमा के आसपास में रहते हैं, तो हल्का आपका कहीं होता है, आप रहते कहीं हैं, माल कहीं लेते हैं, एजेंट कोई और काम करता है, तो इन तमाम चीज़ों को अब आपको छोड़ना पड़ेगा वरना जब पब्लिक जगेगी तो पब्लिक समान नाले का घेराव करेगी और जब ये बात डीएम और संबंधित विभाग तक पहुंचेगा तो सीधे कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय है। देखते रहिए भाई।